हेलो एवरीबॉडी मैं रंजिता नाथ गई फूड ऑल टाइम आपके लिए आज एक मजेदार नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पनीर भुजिया पनीर भुजिया के लिए आपको चाहिए जीरा लाल कटे टमाटर दो टमाटर ले लीजिए थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर लीजिए कटा हुआ प्याज तकरीबन एक प्याज चलेगा पनीर जिसको आपने भुजिया के लिए थोड़ा सा क्रश कर दिया है थोड़ी एक हरी मिर्च छोटी कटी हुई और थोड़ा सा कड़ी पत्ता तो चलिए हम बनाते हैं पनीर भुजिया कढ़ाई में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे ऑलिव ऑयल डाल लेने के बाद थोड़ा सा जैसे हमारा तेल गर्म हो जाता है हम उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डालेंगे तड़के के लिए जीरा तड़कने लगेगा तब हम उसके अंदर प्याज कड़ी पत्ता और मिर्ची जो हमने अलग से कतर के रखी है वो डाल देंगे ताकि हरी मिर्ची का तीखापन निकल जाए और उसको भून लेंगे प्याज जैसे ही आपका थोड़ा लाल होने लगता है आप समझ जाएंगे कि आपका प्याज तैयार है अब इसमें कटा हुआ टमाटर और कद्दूकस किया हुआ जो अदरक रखा था वो आप डाल दीजिए उसको डालने के बाद उसको अच्छे से थोड़ा हिलाएंगे हिलाने के बाद आप इसमें देखेंगे कि अब आपका टमाटर पकने लगा है एवरेस्ट की आपने लाल मिर्च डाल दी अब इसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा सा नमक मैं मेरी पनीर भुजिया में हल्दी नहीं डालती हूँ अगर आपको हल्दी डालना अच्छा लगता है तो आप हल्दी डाल सकते डाल के इसको अच्छे से भून लीजिए जब तक आपका टमाटर जो है आराम से पिलपिला ना हो जाए एक बार आपका टमाटर पिलपिला पिल होने लगता है उस टाइम पे एक चुटकी चीनी डाल के आप इसको ये देखे भून लीजिए अब ये बिल्कुल नरम हो चुका है यहाँ पे अब आप अपने पनीर जो आपने पनीर भुजिया के लिए पनीर को क्रश करके रखा था हाथ से उस पनीर को आप डाल दीजिए और अच्छे से इसको तसल्ली से मिला लीजिए ये देखिए आपका पनीर अब मिल चुका है पनीर मिल चुका है और इसको आप थोड़ी सी देर ढक के रखिए ताकि मसाला पूरा मिक्स हो जाए जब वो पूरा मिक्स हो जाता है ढक्कन हटा के आप इसमें हरा धनिया डालिए और फिर इसको अच्छे से मिला लीजिए ये आपका पनीर भुजिया बिल्कुल तैयार हो गई है कोई खड़ा पनीर का टुकड़ा दिखता है तो आप उसको आराम से आपके पलटे से तोड़ सकते हैं ये देखिए एकदम देख के ही मेरा मन कर रहा है कि मैं खा तो ये थी आपकी पनीर भुजिया आशा है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी बनाने में बहुत ही सिंपल है और ज्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं हमें बताना मत भूलिएगा हमारे ब्लॉग पे है फूड ऑल टाइम डॉट कॉम एंड इसी नाम से हम यूट्यूब पे है फूड ऑल टाइम जरूर आइएगा सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और अगर आपको कुछ नया बनाने को मन करता है कुछ खाने को मन करता है तो हमें बताना मत भूलिए हम वो रेसिपी आपके लिए लेकर आएंगे टेल देन बाय बाय